ये आ गई हमारी केबल कार, बादलों में से केबल कार निकल के आ रही है। व्हाट अ सीन यार, कितनी फॉग है यार जो बादलों को चीरती हुई हमें लेने आई है। पुष्कर अपने आप में एक सुकून है, एक सुखद एहसास है। यहाँ मुक्ति है, मोक्ष है, यहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। आप देख रहे हैं मेरी ट्रैवल व्लॉग सीरीज ट्रैवल विथ सागा। पिछले एपिसोड में मैंने और आपने मिलकर पुष्कर घाटी घूमी थी और मैंने आपसे वादा किया था कि अगले एपिसोड में हम जाएंगे सावित्री माता के मंदिर। सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप सीढ़ियों से चढ़कर जा सकते हैं या फिर रोपवे के थ्रू जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक नए सफर पर। ये है सावित्री माता मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता। वो वहां जो उस पहाड़ी पर मंदिर दिख रहा है, हम आज वहीं जाने वाले हैं उस पहाड़ी के ऊपर। इसी रास्ते पर आपको कई दुकानें भी मिलेंगी, कई रिसॉर्ट्स भी मिलेंगे और आपको साथ में यहाँ पर कैमल सफारी करने को भी मिल सकती है। ऊंटों के पीछे कार्ट लगाकर आपको पुष्कर का चक्कर घुमाया जाता है, जो अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। अब हम पहुंच चुके हैं सावित्री माता मंदिर के बाहर। यहाँ से मंदिर का प्रमाइसेस शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों ओर बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको हर तरह की खाने की पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, शिकंजी, चाय, लस्सी, मैगी, हर चीज़। और अब हम अंदर एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर एक फाउंटेन है जो बंद पड़ा है और यहीं से अब दो रास्ते कट रहे हैं। लेफ्ट वाला रास्ता है सीढ़ियों के थ्रू, यहाँ पे कम से कम 800-900 के करीब सीढ़ियाँ हैं, और राइट साइड में हम जा रहे हैं रोपवे के थ्रू। बहुत ही एक्साइटिंग सा और बहुत ही फ्रूटफुल सा एहसास लेने के लिए। ये है रोपवे की टिकट विंडो, जहाँ की मैं टिकट रेट आपको बता देता हूँ। पर पर्सन अप एंड डाउन की टिकट रेट है 168 रुपीज़, और अगर बच्चा है 3 इयर्स से नीचे का तो वो फ्री है। अब ये सीढ़ियाँ चढ़कर हम जाएंगे रोपवे तक, सावित्री माता रोपवे। ये देखिए आप कितनी लाइन लग रही है रोपवे के लिए। और अब हम आ चुके हैं हमारी केबल कार के वेटिंग एरिया में। ये जो आप बड़ा सा पहिया देख रहे हैं, व्हील देख रहे हैं, ये और ऐसा का ऐसा एक और व्हील होता है बिल्कुल ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही सारा दारोमदार होता है हमारी केबल कार को चलाने का। ये देखिए ये आ गई हमारी केबल कार। ये सफर सच में बहुत एक्साइटिंग और बहुत प्यारा होने वाला है। तो अब हम बैठ चुके हैं केबल कार में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, अभी से सिर्फ शुरुआत हुई है और अभी से देखिए आप। कितनी हरियाली है, कितना प्यारा मौसम है, कितने प्यारे नजारे हैं। जहां भी आप नजर डालेंगे आपको केवल खूबसूरती खूबसूरती और खूबसूरती ही दिखेगी। खास करके यदि आप मानसून के सीजन में आए हैं तो भैया आप जन्नत में आए हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बादलों में से केबल कार निकल के आ रही है। पीछे क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ ऐसा लग रहा है बादलों में से कोई दूसरी दुनिया में से ये केबल कार निकल के आ रही है। देखिए कितना औसम, कितना मनोरम दृश्य है।
हरियाली, खूबसूरती, सुहाना मौसम, झिरमिर झिरमिर बौछार। व्हाट अ सीन यार, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मजा आ गया यार, सच में मजा आ गया। कोई कैमरा इस खूबसूरती के साथ, इस एहसास के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। इसको महसूस करना है तो आपको खुद को ही यहाँ पे आना पड़ेगा। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। ये जो सीढ़ियां जा रही हैं, ये हमें ले जाएंगी मंदिर में। ये मंदिर का मेन गेट है। यहाँ पे देखिए प्यारे प्यारे काले मुंह के बंदर बैठे हैं, और इधर ये एक पाथवे बना हुआ है जहां से आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी देख सकते हैं। ये है मंदिर के अंदर का एरिया। मैं जहां से वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पीछे मंदिर है, लेकिन मैं मंदिर का वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाहर लिखा हुआ है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड। तो अब हम निकल ली है माता जी के बहुत ही मनोरम और बहुत ही शांति देने वाले दर्शन। बोलिए सावित्री माता की जय। अब हम देख जाते हैं ऑब्जर्वेशन डेक की तरफ, और हम देखते हैं आसपास की पुष्कर की खूबसूरती। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरा पुष्कर टाउन दिख जाएगा। ऐसा लग रहा है कि माता जी ऊपर बैठकर पूरे पुष्कर की रखवाली कर रही हैं। वो वहाँ दूर जो आपको एक पानी का कटोरा सा दिख रहा है, वही प्रसिद्ध पुष्कर लेक है। देखिए आप कितनी ऊंचाई पे हैं कि पुष्कर लेक आपको एक कटोरे में छोटी सी दिख रही है। ये लेफ्ट में जो दिख रहा है आपको, यही केबल कार का पूरा स्ट्रक्चर है। नीचे से देखिए छोटी छोटी सी ब्लू कलर की केबल कार आती हुई नजर आ रही हैं। और ये है सीढ़ियों वाला रास्ता, जहां से आप ट्रैक करके सीढ़ियां चढ़ के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। ये लगी है रोप वे से वापस जाने की लाइन, लेकिन हम अभी इस लाइन में नहीं लगेंगे। हम जाएंगे पीछे वाले पाथवे पे और देखेंगे आसपास की सीनिक ब्यूटी। मजा ही आ गया। ये पाथवे आपको ले जाएगा पीछे की तरफ, जहां से आप पीछे से पुष्कर का पूरा नजारा देख सकते हैं। अब ये जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूं, ये है उस समय का जब हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन फॉग बिल्कुल नहीं थी। इसके जस्ट बाद मैं आपको दिखाऊंगा सेम इसी जगह का वो सीन, जब ये पूरी जगह फॉग से ढकी हुई थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हो जाइए तैयार, 1 2 3। ये देखिए सेम वही पाथवे, सेम वही जगह, सेम वही काले मुंह के बंदर, लेकिन पाथवे के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। कितनी फॉग है यार। जहां देखो चारों तरफ फॉग ही फॉग। हम आ गए हैं वापस वेटिंग एरिया में। चलिए अब चलते हैं वापस नीचे। इन केबल कार्स को जाता हुआ देखकर आपको सच में यही लग रहा होगा कि भैया ये केबल कार्स जा कहां रही हैं, सामने कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ धुंध धुंध है। ऐसा लग रहा है कि ये केबल कार कहीं किसी दूसरी दुनिया में हमें ले जाएगी, बादलों में जाकर छुप जाएंगी, खो जाएंगी। क्या एक्सपीरियंस है। चलिए आ गई हमारी ये दूसरी दुनिया से आने वाली केबल कार, जो बादलों को चीरती हुई हमें लेने आई है। हम इन केबल कार पे सवार होते हैं और चलते हैं वापस नीचे की ओर। तो भैया अब हम बैठ चुके हैं हमारी केबल कार में। बोलिए सावित्री माता की जय। ब्रह्मा जी भगवान की जय। पुष्कर राज महाराज की जय। ये देखिए लेफ्ट साइड में हमारी चल रही है सीढ़ियां, जहां से आप मंदिर की ओर जा सकते हैं और वापस नीचे उतर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं केबल कार से स्पीड बढ़ाते हुए।
भाई साहब देखिए क्या सीन है यार, क्या सीन है, क्या खूबसूरत नजारा है। मन ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस जाने का। ऐसा लग रहा है कि घंटों इसी केबल कार में बैठे रहें और यही सीन और यही मौसम को एंजॉय करते रहें। देखिए हम मंदिर से कितना दूर आ चुके हैं और कितनी हरियाली है इस पहाड़ पर। सावित्री माता मंदिर के पीछे बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से जो सबसे प्रचलित कहानी है वह यह है कि एक बार ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ करने वाले थे। वे यज्ञ के लिए सावित्री माता जी का, अपनी पत्नी सावित्री माता का वेट कर रहे थे। सावित्री माता नहीं आई, लेकिन मुहूर्त निकलने वाला था। सावित्री माता कुछ लेट हो गई तो उन्होंने वहीं गायत्री जी से शादी कर ली और गायत्री जी को अपने साथ यज्ञ में बैठा लिया। तो सावित्री माता जब लेट वहाँ आई, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ने वहाँ गायत्री जी को बिठा रखा है, तो सावित्री माता जी रूठ गई और वे इस पहाड़ी पर, रत्नागिरी पहाड़ी पर जाकर बैठ गई और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपको पुष्कर के अलावा कहीं और कोई नहीं पूजेगा। इसलिए पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का विश्व का इकलौता मंदिर स्थित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या अच्छाई थी या क्या कमी थी। और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। जब आप केबल कार से आ रहे हों तो कुछ देर के लिए केबल कार को रास्ते में रोक दिया जाता है और उस समय जो एक्साइटमेंट होता है और जो मज़ा आता है, क्या ही कहने। ऐसा लगता है कि आप हवा में लटके हुए हैं और आपके चारों ओर हरियाली, खूबसूरती और बढ़िया सा वातावरण है। चलिए अब वापस चल गई हमारी केबल कार, अब हम हमारा सफर नीचे की ओर वापस शुरू करते हैं और ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। तो भैया हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कि इस केबल कार से उतरें। ऐसा लग रहा है कि वापस से एक बार और ऊपर चले जाएं। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं पुष्कर लेक की तरफ और आपको दिखाता हूं रात का पुष्कर लेक का नज़ारा। ये देखिए पवित्र, पावन और खूबसूरत पुष्कर लेक। जय हो पुष्कर राज महाराज की। इतना सुकून है ना यहाँ कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पुष्कर से जाते जाते मेरी खुद की लिखी हुई एक कविता मुझे याद आ रही है, उसकी कुछ लाइनें आपको सुनाता हूँ कि पुष्कर अपने आप में एक सुकून है, एक सुखद एहसास है। पुष्कर अपने आप में एक सुकून है, एक सुखद एहसास है। यहाँ मुक्ति है, मोक्ष है, यहाँ ब्रह्मा जी का निवास है। पतली पतली छोटी छोटी गलियाँ हैं, सदा रोशन रहने वाला अनूठा बाजार है। अपनी किस्म की गुलाब की खुशबू है और मालपुए की मिठास है। यहाँ 52 घाट हैं और मेहमान नवाजी के ठाट है। एक और कचोरी है, एक और लेबनीज फलाफल है, एक और आध्यात्मिक संगीत है, एक और ट्रांस है, एक और बालू रेत के धोरे हैं, एक और यहाँ के रंगीले छोरे हैं। तो जनाब सोच क्या रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और पुष्कर आने का प्रोग्राम झट से सेट कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, बहुत खुश रहें और सबको बहुत खुश रखें। ट्रैवल विद सागा के नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे एक और नई सैर। तब तक के लिए राम राम सा, जय हिंद।